वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो गाइस ये न्यू नोटिफिकेशन है जो एम्स दिल्ली ने रिलीज़ किया हुआ है, जो चार हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकली है। तो इसके जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट आज से हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 अगस्त से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये न्यूज़, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एम्स दिल्ली ने रिलीज़ की हुई है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी हैं, क्या कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी और जो CBT है वो कब होना है, सिलेबस क्या रहेगा। इन्होंने एम्स ने पूरा डिटेल बता के रखा हुआ है। तो इसमें जो एम्स के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, किन हॉस्पिटल के लिए जो पोस्टिंग होगी वो आपकी कहाँ होगी, इन चार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी, RMLH, सफदारजंग और LMCH SSKH, दैट मीन्स लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल सॉरी जो लास्ट है 4th नंबर का वो है कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल KSCH न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली की ये चार हॉस्पिटल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनमें आपकी पोस्टिंग की जाएगी। चलिए इसमें देखते हैं कि हम आपकी सैलरी क्या होगी, एज कितनी है और वैकेंसी कितनी है टोटल। तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो सैलरी है वो होगी 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी, BSc नर्सिंग हो आपके पास और INC और स्टेट SNC से आपका जो रजिस्ट्रेशन हो वो कंप्लीट होना चाहिए। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी SNC और INC से रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये चीज़ें BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc वालों के लिए हैं। और GNM वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी सेम इन्होंने यही मांगा है कि आपका रजिस्टर जो INC उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है विथ मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल में काम करने का। तो GNM वालों के लिए गाइज इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वर्किंग एक्सपीरियंस मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल में काम करने का। बट जो BSc कैंडिडेट BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc वाले, उनको किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो GNM वाले अप्लाई करें उनके पास मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल में काम करने का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट होगी आपकी बिटवीन 18 to 30 years, दैट मीन्स आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। और ऑल इंडिया कैंडिडेट है इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। नेक्स्ट वैकेंसी इसमें कितनी है, तो 503 वैकेंसी है जनरल के लिए, 503 पोस्ट है यहाँ पर। तो जनरल के लिए 282, SC के लिए 66, ST के लिए 32 और OBC के लिए 123। और जो 52 पोस्ट है इन्होंने रिजर्व करके रखी है PW BD कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें से जो 52 है तो उनमें से भी 32 हैं जो बैकब्लॉक वैकेंट पोस्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, इसमें आपका ओनली रिटर्न टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने जनरल कंडीशन क्या रखी हुई, तो आपका जो यहाँ पर 2nd पॉइंट आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो भी आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने हैं वो 1 अगस्त 2019 से 21 अगस्त 2019 को शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड है आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो जो एम्स की जो वेबसाइट है इस पे आपको फॉर्म मिल जाएंगे 1/8/2019 से 21/8/2019 को शाम के 5 बजे के पहले आपके, दैट मीन्स 1 अगस्त से जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना होंगे तो 21 अगस्त 2019 को शाम के 5 बजे के पहले आपके फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। यदि इसके बाद पहुंचते हैं तो आपके फॉर्म हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, नो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेंड। किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है जब आप ये फॉर्म फिलअप करके भेज रहे हो या फिर किसी भी स्लिप की। ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलोंग विथ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड। तो ये चीज़ आप याद रखिए, वो आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू जो शाम के 5 बजे के पहले पहुंच जाने चाहिए 21 अगस्त 2019 को, उसके बाद क्योंकि है जो रजिस्ट्रेशन है क्लोज हो जाएंगे, आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, रिजेक्ट माने जाएंगे यदि आप इसके बाद भी फॉर्म भेजते हैं तो। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि
जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी उनकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है और थंब इम्प्रेशन है, वो जो भी अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन अभी मैं आपको बता दूंगी, जनरल लिंक है वहाँ पर, जो भी आपको मिलता है तो उसके हिसाब से होने चाहिए। यदि कुछ भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगी है। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये और एससी एसटी वालों के लिए 1200 रुपये और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एक्सटेम्पेड यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई है इन्होंने, थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग, एक सेकंड पॉइंट में देखिए कि जो आपकी ऑनलाइन मोड के थ्रू जो फीस पेमेंट होगी एप्लीकेशन फ़ीस, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी के थ्रू आपकी फ़ीस है जो पे कर दी जाएगी, कर सकते हैं आप लोग। थर्ड पॉइंट में बताया कि एप्लीकेशन फ़ी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, एज इन्होंने कितना, अब इन्होंने एज तो मांगा है 30 ईयर्स, बट जो कुछ लोग हैं उनके लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन किन एप्लीकेंट्स के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी एज में, मैक्सिमम एज तो इन्होंने 30 ईयर्स बताई है, बट जो एससी एसटी वाले हों 35 साल तक की एज वाले भर सकते हैं। ओबीसी में 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी हों तो उनको 13 साल के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी हों तो 15 साल, और एक्स सर्विस मैन हों तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉयज़ बी ग्रुप की पोस्ट के लिए, दैट मीन्स इसी के लिए, तो जिन भी लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हो तो उनको मिनिमम 5 साल, लेस देन जिन्होंने वर्किंग एक्सपीरियंस उनका 3 साल रहा हो, बट उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय प्लस ओबीसी हो तो उनको 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज प्लस एससी एसटी हो तो उनको 10 साल का छूट मिलेगी एज में, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने जो एग्ज़ाम का जो सेंटर रखा है वो किस, और आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा, तो जो ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो होगा आपका 15 सितंबर 2019 को आपका एग्ज़ाम होगा, और जिन भी मेजर सिटीज़ में, मीन्स जो भी आप लोग जो सेंटर चूज़ करते हैं उस हिसाब से मेजर सिटीज़ होंगी, वहाँ पे आपका सीबीटी होगा, और रिज़ल्ट कब आ जाएगा, वो आ जाएगा 24/9/2019 को। तो 15 सितंबर को एग्ज़ाम होगा और 24 सितंबर को जो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, वो आपकी पोस्टिंग एम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल हैं, 4 हॉस्पिटल हैं, तो उनमें आपकी पोस्टिंग होगी एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे इन्होंने बस यही चीज़ें बताई हुई हैं कि आप जो अपना फॉर्म है वो भेज दीजिए, 1 अगस्त से जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, वरना 24 अगस्त के पहले आपके जो फॉर्म है वो पहुँच जाने चाहिए। और इन्होंने ये नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया था, 25 जुलाई 2019 को इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि 4 हॉस्पिटल में जो आपकी पोस्टिंग होगी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल RMLH, सफदारजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल SSKH और एंड कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल KSCH न्यू दिल्ली में, जो न्यू दिल्ली में 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनमें आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो गाइज यहाँ पर टोटल यही चीज़ें थी, और इसका जो आपके लिए जो फॉर्म है वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, शेयर अस, थैंक यू, बाय बाय।